साधना और समाधान चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक पान के पत्ते के द्वारा लाखों लोगों का अजमाया हुआ वशीकरण करने वाला, मोहब्बत हासिल करवाने वाला आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। और ये जो उपाय है उन व्यक्तियों के ऊपर ही यह कार्य करेगा जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं और किसी कारण, किसी लड़ाई झगड़े के कारण आपसे वह रुष्ट होकर आपसे अलग हो गए हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत की वापसी चाहते हैं, उसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चलते फिरते राही के लिए अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तब यह कार्य नहीं करेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में है तभी यह जो विधि है तभी यह कार्य करेगी। यह जो पान के पत्ते के द्वारा मोहब्बत हासिल करने का उपाय है, तो यह उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल पाए। तो आपने ये वशीकरण कैसे करना है, इसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए केवल आपने एक लेकर आना है पान का पत्ता और एक तिलों के तेल का दिया और एक रेड मार्कर। और ये जो आपने उपाय करना है 3 दिन रेगुलर, इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी पुष्पों के पौधे के नीचे, गुलाब के पौधे के नीचे, चमेली के पौधे के नीचे या आकमदार के पौधे के नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं 3 दिन रेगुलर। घर में भी कर सकते हैं और घर से बाहर भी, जब सूर्य अस्त हो जाए। वह 3 दिन हैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आपने इस पान के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। और ये जो पान का पत्ता होना चाहिए डंडी वाला, डंडी इसकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत पत्ता आपने लेना है डंडी वाला। डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने रेड मार्कर से उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके बाद आपने इस दिए को रोशन करना है। ये जो तिलों के तेल का दिया है इसको आपने रोशन करना है जो स्थान मैंने आपको बताए हैं। और रोशन करने के बाद आपने इस पत्ते की डंडी को अपने हाथ में पकड़ लेना है और इस चिराग के ऊपर आपने इसको जला देना है। चिराग रोशन करने के बाद आपने ये जो बत्ती है उसके ऊपर इसको रखने के बाद इसको आपने जला देना है और जो बाकी शेष डंडी बच जाए उसको आपने इस चिराग में डाल देना है। और ये जो विधि है आपने 3 दिन रेगुलर इस विधि का ये उपाय करना है। तो इससे जो भी आपका प्यार है, जो आपसे रुष्ट होकर चला गया है, तो माता मोहिनी की शक्ति के द्वारा, इस चिराग की शक्ति के द्वारा उसके मन में तड़प पैदा होगी और उसकी वापसी होगी तुरंत। 3 दिन में आपको ये रिजल्ट देगा। बहुत शक्तिशाली ये उपाय है वशीकरण करने वाला पान के पत्ते के द्वारा। इसके लिए ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही कोई लुभा भोग प्रसाद देना है, केवल आपने ये उपाय ही करना है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।